हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बिंदा जी फोरम। तो आशा करता हूँ कि आप लोग कल से जो TRE 2.0 का जो एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड है वो कल से डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग एक बहुत ही बड़ा चेंजेज हुआ है एडमिट कार्ड को लेके। तो देखते हैं किनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और किनका नहीं होगा। तो आप लोग समझ ही गए होंगे DLED को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट है और एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है उसको जानेंगे। तो एज यूजुअल पहले से पता आपको कि 2/12/2023 से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल से। और आप लोग पहले की भांति फिर से एक बार आप अपना एग्जामिनेशन जो वेन्यू है उसको जान पाइएगा और परीक्षा से पूर्व आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, जैसा कि पहले भी आपको सेंटर कोड बता दिया जाता था। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो सबसे बड़ा चेंजेस क्या हुआ है। तो सबसे बड़ा चेंज हुआ है जो 6 to 8 और 9 to 10th में वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान या विषय का चयन किया है वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र में किसी दो विषय में से एक विषय इतिहास या भूगोल अनिवार्य का चयन करके ही एडमिट कार्ड डाउनलोड से संबंधी आवश्यक प्रक्रिया करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के समय में। कौन? वैसे कैंडिडेट जो 6 to 8 और 9 to 10th में जो स्टेट दिए हैं। उसके बाद का जो अपडेट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायाधीश के आलोक में DLED की डिग्री मान्य है। ध्यान देना है DLED की डिग्री मान्य है। कौन सा DLED? जो कि रेगुलर DLED होता है। अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो दिनांक 10 अगस्त 2017 के पूर्व से जो नियोजित शिक्षक जो कार्यरत हैं और जिन्होंने 18 माह का DLED किया है, स्पेशली ये जो DLED NIS के थ्रू जो कंडक्ट कराया गया था ये उन्हीं के लिए था, ना कि फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे, कुछ भी कह लीजिए, पॉलिटिकल एजेंडा हो चाहे कुछ भी हो, जो चीज़ लीगल है उसको लीगल ही माना जाएगा। कभी भी कोई केस करता तो ये अमान्य घोषित होना ही होना था। तो 2 साल का जो डिग्री है आपका जो DLED का वही मान्य है, लेकिन जो पूर्व में शिक्षक कार्यरत हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए किया था 10 अगस्त 2017 से पूर्व, उनके लिए ही है। वैसे लोगों का ही 6 to 8 में एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 10 अगस्त 2017 से पूर्व जितने भी लोग टीचर थे और उन्होंने DLED किया NIS से, वही लोग 6 to 8 में चाहे वो साइंस या सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए डाउनलोड कर पाएंगे अपना एडमिट कार्ड कल से, ठीक है। अब दूसरी बात, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आशा करता हूँ आप लोगों से। 1 से 5 संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देशित दिया जाता है कि खंडिका 7 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर सहमति व्यक्त करते हुए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की संबंधी प्रक्रिया करेंगे, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए क्लियर। खंडिका 7, वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग एवं पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक पद के लिए 6 to 8 में संगीत कला विषय को छोड़कर आवेदन किए थे, दोनों विभाग के लिए अलग अलग का चयन किया गया है, उन्हें केवल शिक्षा विभाग के लिए चयनित विषय में सम्मिलित होना है। तो ये चीज़ ध्यान देना है, जो केवल शिक्षा विभाग के लिए चयनित विषय के लिए परीक्षा में सम्मिलित होना है, एक उसके लिए आवेदन आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की 1 अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र
ले जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर पर उन्हें सुपुर्द, मतलब कि दो कॉपी ले जाना है, एक दे देना है एक रख लेना है। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो 5/12/2023 से, यानी कि 5 दिसंबर से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड होगा। कल से सेंटर कोड पता चल जाएगा, 1 घंटा पहले पहुंच जाना सेंटर पे, और परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यूज्ड ओएमआर आंसर शीट को सील बंद कराने के पश्चात ही एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलना है। तो ध्यान देना है, एनआईएस से डीएलएड जो अगस्त 2017 से पूर्व कार्यरत शिक्षक है उन्हीं के लिए था, उन्हीं के लिए है भी, अभी भी उन्हीं के लिए है, नए के लिए नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है कैंडिडेट से भी, कहीं ना कहीं आयोग से भी, जल्दीबाजी में एग्जाम को कंडक्ट करा के। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले, क्योंकि आयोग अगर थोड़ा सा और रुक जाता तो शायद कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरते। तो कहीं ना कहीं दोनों जगह ये खामियां हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जी।